बैक टू द चैनल गाइस। तो आप लोगों टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाली है, तो फिर भी मैं हल्का हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ। जो स्टॉक एग्जॉस्ट है उसी को मैं मॉडिफाई करने जा रहा हूँ। तो जो स्टॉक वाले एग्जॉस्ट का जो छोटा वाला पाइप जो होता है डीबी किलर जैसा, तो वो हटा के अपन उसमें बड़े साइज़ का पाइप इंस्टॉल करने वाले हैं, जिससे कि क्या होगा कि साउंड जो है और ज़्यादा बेटर आएंगी। जो मैंने 250 का एग्जॉस्ट जो मैंने लगाया था उसको रिमूव करने के बाद साउंड जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कम हो गया है, साउंड जो है अच्छा खासा कम हो गया बाइक का। तो थोड़ा सा लाउड करते हैं उसको। तो अभी यहाँ पे जो गैस वेल्डिंग वाले हैं उनसे कराते हैं काम और हाँ करते हैं काम। साइलेंसर का काम करना है एग्जॉस्ट का। हाँ अरे ऐसा ही होता ना। ये देख इधर आ, ये वाला जो गोला है ना ये उसको काट के निकालना है, उसको बड़ा वाला पाइप लगाना है। हाँ हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। बहुत मतलब कितना टाइम लगेगा? कैमरा है। हाँ क्या कैमरा? अरे यूट्यूब पे वीडियो बनाते अपन। अरे आँख में नहीं दिखता, इसमें दिखता है। अभी बाद में जब अपन कंप्यूटर में इसको अटैच करेंगे तब दिखेगा। मतलब अपन कहीं भी गाड़ी चला रहे हैं। हाँ बस बस वही। ये जो छोटा वाला है ना उसको निकाल के बड़ा वाला पाइप लगाना है। हाँ नहीं वैसा कैसा भी लगा चलता है लेकिन बड़ा लगाना है। हाँ थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा होना अपने को। ओके तो गाइस जो मेरा वेल्डिंग शॉप का काम था वो कंप्लीट हो चुका है और साउंड में आप अभी से चेंजेस जो है सुन सकते हो। जैसे कि एक बार ये स्ट्रेच सुन लो आप। तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हो साउंड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं और सबसे सही तो बात मुझे ये लगी कि आवाज़ फट नहीं रहा है और जो साउंड में जो है बेस ऐड हो चुका है और ज़्यादा बहुत बेसी सा साउंड हो गया है। तो हाँ मुझे तो साउंड बहुत अच्छा लग रहा है। तो हाँ एकदम लाउड भी नहीं, एकदम कान को चुभने वाला भी नहीं, बहुत अच्छा सा साउंड आ रहा है।